हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पैनेशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएनबी है, जिसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसका जो पब्लिकेशन का फ्रीक्वेंसी है वो वीकली है। याद रखिएगा, आईएनबी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का मंथली है और बीएनबी का क्या है, वीकली है। इसको पब्लिश कौन करता है? तो बिब्लियोग्राफिक सर्विस डिवीज़न ब्रिटिश लाइब्रेरी इसको क्या करता है, पब्लिश करता है। कब से? तो 1950 से। 2003 ईस्वी से ये क्या हो चुका है, कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। बिब्लियोग्राफी को, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी को कवर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो रैगजीन का यूज़ किया जाता है। इसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, आईएनबी में 15 लैंग्वेजेस और बीएनबी में 22 लैंग्वेजेस। इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो पहला, म्यूज़िक रिकॉर्ड, एटलस और कुछ ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये इसमें किस टाइप का डाटाबेस यूज़ होता है? तो सिंगल इंटीग्रेटेड ऑनलाइन डाटाबेस यूज़ होता है। और एक मैंने जो आप लोगों को इंडक्शन टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि बीएनबी में जो है प्रिसीज मेथड का सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुआ था, तो बीएनबी में। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये था हमारा पूरा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अगर तो पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।